इस राज्य में उत्सव मनाया जा रहा है। राजा खुश है, लेकिन रानी ने जब एक गर्भवती महिला को देखा तो वो उदास होकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राजा तुरंत उसके पीछे जाता है। पता चलता है कि रानी की कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वो उदास रहती है। एक काला जादूगर महल में आता है और बताता है कि उसके पास इस समस्या का उपाय है। वो बताता है कि दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए अगर एक जीवन को जन्म लेना है तो एक जीवन को मरना पड़ता है। रानी अपनी जान देने के लिए तैयार है। वो जादूगर बताता है कि रानी अगर एक समुद्री दैत्य का दिल खा ले तो वो तुरंत गर्भवती हो सकती है। अगले दिन राजा पानी में सांस ले पाने वाली एक कवच पहनकर समुद्र के अंदर जाता है। समुद्र के नीचे उसे एक सोता हुआ दैत्य दिखाई देता है। वो धीरे से उसके पास जाकर अपने भाले से उस पर वार कर देता है। दर्द से तड़पते हुए वो दैत्य जाग जाता है और राजा पर हमला कर देता है। पानी में खून के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो दैत्य आखिरकार मर जाता है। सैनिक राजा के सामने उस दैत्य का दिल बाहर निकालते हैं, लेकिन घायल होने के कारण राजा की मौत हो जाती है। रानी तुरंत वहां आती है, लेकिन बिना अपने मरे हुए पति की ओर देखे वो उस दिल को उठा लेती है। संतान को जन्म देने के संकल्प से रानी वो दिल को खा लेती है और कुछ दिनों में एक लड़के को जन्म देती है।